साल पहले संसद हमले के जख्म आज भी हर किसी के मन में ताजा हैं। लेकिन बीते दिन इस आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर संसद में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को एक बार फिर खौफजदा कर दिया है। सदन के अंदर कार्यवाही के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूदे और एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे। इसी दौरान एक शख्स ने अपने जूते से निकाल कर पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी, जिसके बाद पूरे संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। संसद में मौजूद सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ा और फिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। वहीं सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे दो लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इस महिला का नाम है नीलम आजाद और नीलम से जुड़ी जो चीजें सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली है। दरअसल नीलम का अब पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है, साथ ही उसका नाम किसान आंदोलन और महिला पहलवानों द्वारा किए गए प्रदर्शन में शामिल होने के तौर पर भी सामने आया है। हालांकि नीलम के परिजन संसद में हुई सुरक्षा की सेंधमारी में नीलम के शामिल होने की बात से खुद को अनजान बता रहे हैं। नीलम की माँ और नीलम के भाई ने बताया कि नीलम बहुत योग्य है लेकिन बेरोजगार है और इसी को लेकर वो ज्यादा परेशान रहती है। उन्होंने बताया कि नीलम ने अब वापस ले लिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों तक चले किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी भाग लिया था। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था बहुत, मेरी लड़की तंग थी जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके पढ़ने लिखाई पढ़ाई फिर मारा ती कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी मां पढ़ाई तो मतलब रख व्यापन धरना कुछ नहीं लेना। हमने वहां भी रोक दी थी, फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़ने खातिर आसार छोड़ दी। हाँ फिर रोजगारी की बात करया करती नहीं बोली माँ उ इतनी मम्मी मैं उ इतनी पढ़ ली दो रोटियां का रोजगार नहीं मिलता इस तकरी तो मैं मर जू। हमें तो पता नहीं था कि वो दिल्ली गई है, हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर देके दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी तो कल वापिस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे, कितना पढ़ लिखी है? वो BA MA BEd STAT CTET MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। वही दूसरी तरफ अब नीलम की रिहाई को लेकर संयुक्त हरियाणा किसान मोर्चा सामने आ गया है। संयुक्त हरियाणा किसान मोर्चा के सदस्य और किसान नेता आजाद पालवा इस बीच नीलम के घर भी पहुंचे। उन्होंने नीलम की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि वो किसान प्रदर्शनों से जुड़ी रही है, हम सब उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि नीलम ने बेरोजगारी से ग्रस्त होकर संसद में प्रदर्शन का ये कदम उठाया है। आज हमने बेटी नीलम की बाइट सुनी थी, उसने बिल्कुल सही कह रखा कि देश के अंदर बेरोजगारी बहुत है, देश के अंदर तानाशाही बढ़ रही है, तो इसी का एक प्रोटेस्ट किया है उन लोगों ने। तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सही काम किया है, देश में तानाशाही भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये सरकार झूठ की नींव पे बनी थी, देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज युवाओं की मांग है कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाए, इसलिए सड़कों पर आए हैं युवाओं ने। तो ये देश का हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपनी आवाज उठाए। आज उस बेटी नीलम ने कोई गलत काम नहीं किया, हम उसका समर्थन करते हैं और उचाणा धरना की पूरी कमेटी यहाँ पर पहुंची है गांव में उसको हौसला बढ़ाने के लिए। वही नीलम का राजनीतिक कनेक्शन भी जुड़ने लगा है। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने नीलम आजाद का पोस्टर जारी किया है जिसमें वो किसानों के साथ आंदोलन में भाषण देती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में नीलम आजाद ये कहते हुए दिख रही है कि BJP अभी सत्ता में चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो हम कांग्रेस को लाएंगे या फिर INLD को लाएंगे। वायरल हो रहे वीडियो में आजाद ने BJP को क्रूर पार्टी बताया था। यही नहीं, इसके अलावा नीलम आजाद को इससे पहले मई में नई दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन के दौरान साक्षी मलिक की मां के साथ हिरासत में भी लिया गया था। बहरहाल दिल्ली पुलिस के सूत्रों की और एजेंसी के सूत्रों की माने तो ये हंगामा पूरी तरह प्लानिंग के साथ किया गया था। इस साजिश में 6 लोग शामिल है जिसमें 5 लोगों की पहचान हो चुकी है और 5ों दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं और हंगामे को अंजाम देने से पहले गुरुग्राम में ललित झा नामक शख्स के घर पर रुके थे। तो वहीं 6ठे आदमी की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है और फरार एक की तलाश में एजेंसी जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश के 4 अलग अलग हिस्सों से इन 4 आरोपियों का कनेक्शन आपस में किस मकसद से हुआ? क्या इनका इरादा सिर्फ संसद में इस तरह अफरा तफरी मचा कर डर पैदा ही करना था, या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए इन्होंने संसद हमले की बरसी का दिन ही क्यों चुना? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।